नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर मोहिंदर सिंह, एग्रोनॉमिस्ट निकाटा। आज हम एक ऐसे प्रगतिशील किसान से मिलने वाले हैं जिन्होंने टपका सिंचाई पर सरसों की खेती की, और मैं निकाटा विभाग की तरफ से राम भगत जी का हार्दिक धन्यवाद भी करता हूं कि इन्होंने एग्रोनॉमिस्ट की सलाह के अनुसार खेती की। आइए इस सक्सेस स्टोरी को उन्हीं की भाषा में जानते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम राम भगत है, गाँव डोकारिया, जिला चरखी दादरी। मैंने हरियाणा एमआई काडा के डिपार्टमेंट के एग्रोनॉमिस्ट की सलाह पे ड्रिप से मस्टर्ड की खेती की थी। मैंने 7 नवंबर को सरसों की बिजाई की, बिल्कुल सूखे खेत में बिजाई की थी। पहले मैंने ड्रिप की नलकियां बिछाई, उसके बाद मैंने सरसों हाथ से चुबुआ करके 80 ग्राम बीज यूज किया प्रति एकड़, और मैंने इसमें एक बैग एसएसपी का 50 किलो का इसमें नीचे बिजाई किया था, और बिजाई के तुरंत बाद मैंने उसी दिन इसमें पानी दिया था। 4 घंटे ड्रिप चलाई थी और 12 किलो यूरिया यूज की थी। 6 बार मैंने इसमें पानी दिया है, पानी के साथ हर बार मैंने 12 किलो यूरिया यूज की। 2 बार मैंने इसमें एनपीके दी है, एक बार मैंने चौथे पानी में दी थी और एक बार मैंने लास्ट पानी में इसमें एनपीके दी थी। एग्रोनॉमिस्ट की सलाह के मुताबिक मैंने अपने खेत में ये खेती की है, जो बड़ी अच्छी इसकी पैदावार आई। प्रति एकड़ इसकी पैदावार 35 मण निकली है, जो इसकी अच्छी पैदावार को देखते हुए मैं सभी साथियों को ये सलाह देता हूँ कि इस पद्धति को अपनाएं और अपनी कम खर्चे पे अपनी उपज बढ़ाएं। जैसा कि हम जानते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन एक बहुत बड़ी समस्या है, तो हमारे किसान भाई ने ऑर्गेनिक कार्बन को वेस्ट न करते हुए अगर हम 70 मण की पैदावार इस 2 एकड़ के खेत से लगाते हैं, तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि हमने 200 मण ऑर्गेनिक कार्बन ह्यूमस के रूप में इस खेत में वापस दे दिया है। इन्होंने पूरा का पूरा जो वेस्ट है, स्ट्रा जिसको कहते हैं, वो सारा का सारा जमीन में मिला दिया है, ताकि जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा भी बनी रहे जी। और मैं आशा करता हूँ किसान भाइयों से कि वो डेमोस्ट्रेशन पे आए, उसको लाइव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।